डेली वेजर्स, एसपीओ, विलेज डिफेंस गार्ड, होम गार्ड और एनवाईसी वर्कर, ये वो लोग हैं जो काफी देर से कह रहे हैं कि हमारा मसला जो है वो हल किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि एक अच्छी खबर ये है कि गुड न्यूज ये है कि बीजेपी लीडर्स की मीटिंग हो रही थी जिसे अमित शाह और जेपी नड्डा जो है वो लीड कर रहे थे। आपको बता दें कि जितने भी जम्मू के लीडर थे, यानी जो क्रीम है बीजेपी की, चाहे वो बीजेपी के लीडर्स हम कश्मीर की बात करें चाहे जम्मू की बात करें, साफ तौर पर उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से कह दिया कि अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना है, अगर आपको जम्मू में असेंबली इलेक्शन जीतने हैं, तो आपको पहले डेली वेजर्स, एसपीओस, विलेज डिफेंस गार्ड, उसी के साथ साथ एनवाईसी वर्कर और होम गार्ड्स के मुद्दे को हल करना होगा, तभी आप जम्मू कश्मीर में जो है वो असेंबली इलेक्शन जीत पाएंगे। यानी एक बहुत बड़ी बात है, बीजेपी के लीडर्स पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि ये दिल्ली में जाकर चुप करके बैठ जाते हैं, दिल्ली में जाकर जो है वो कोई भी बात नहीं करते। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर की अगर मैं बात करूं, इस तस्वीर को जब आप देखेंगे, और साथ ही साथ आपको मैं कुछ बताना चाहूंगी कि सबसे पहले अमित शाह जो है उन्होंने इस मुद्दे पर जो है वो बात करने की कोशिश की। जैसे ही अमित शाह और जेपी नड्डा की बात करते हैं, उन्होंने बीजेपी के तमाम लीडर, चाहे वो कश्मीर के हो चाहे वो जम्मू के, उन्हें बुलाया, एक ही टेबल पर बैठकर उनसे बातचीत की और उन्हें कहा कि अपनी कमर कस लें, अफवाहों पर जोर ना दें। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर अपने बीजेपी के लीडर्स को कहा कि आप लोगों को तैयार रहना। लेकिन इस बीच गुड न्यूज किन के लिए निकल कर आ रही है, उन्हीं के लिए जो डेली वेजर्स हैं, जो काफी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे मसले को हल किया जाए, वरना इस बार हम जो है वो बीजेपी का साथ नहीं देंगे। विलेज डिफेंस गार्ड की बात करें, एसपीओस की बात करें, हम एनवाईसी वर्कर्स की बात करें और होम गार्ड्स की बात करें, देखिए साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि बीजेपी की हाईकमांड ने इन मुद्दों को सुना और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस मसले को लेकर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करेंगे और जल्द से जल्द इस मसले का निपटारा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी के तमाम लीडर्स को कहा गया कि आप लोग आउटरीच प्रोग्राम जो है वो शुरू करें। इन लीडर्स की जहां तक बात करते हैं, इन लीडर्स में जो है वो जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ साथ आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी दिखाई दे रहे होंगे, और साथ साथ अगर बात करते हैं विबोध गुप्ता भी होंगे, और जिस तरह से अगर बात करते हैं यहाँ पर जो है वो रविंदर राणा भी होंगे। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, ये मीटिंग जो है एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, और इस मीटिंग की बात करते हैं इसमें तमाम मुद्दों को हल करने के लिए कहा गया, और हल करने के साथ साथ यहाँ पर जो है वो बातचीत का दौर भी यहाँ पर जारी रहा, और बातचीत के दौर में ये सारी बातें हुई। इसके साथ बेरोजगार युवाओं की जो है वो भी बातें हुई, और बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं उनके साथ इन सारी चीजों को डिस्कस करने की जो है वो बात हुई। ये देखिए, ये तमाम देखिए, रविंदर राणा है, तरुण चुग है, वहां की अगर बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जुगल किशोर शर्मा है, और विबोध गुप्ता है। ये तमाम वो लीडर हैं जिन लीडर से आप लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और बहुत ज्यादा उम्मीदें होने के साथ साथ आप इन लोगों की जिस तरह से बात करते हैं कि ये हमारे मुद्दों को जो है वो हल करेंगे। यानी फिलहाल अगर आप देखें कि अगर असेंबली इलेक्शन, बीजेपी को ये पता चल गया है कि अगर असेंबली इलेक्शन हमें जीतने हैं तो असेंबली इलेक्शन जीतने के लिए हमें ये तमाम मुद्दों को हल करना होगा। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर जो है वो राजौरी और पुंछ के लोगों के लिए भी है। बीजेपी ने कहा है कि हम 90 की 90 सीटों पर जो है वो ध्यान केंद्रित करेंगे, और कोई भी सीट जो है वो जम्मू कश्मीर में हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा फोकस जो है वो राजौरी पुंछ पर होगा। राजौरी पुंछ पर फोकस क्यों होगा, क्योंकि लोकसभा चुनावों में आपने देखा कि सबको लगा था कि आखिर में बीजेपी एक दाव खेलेगी, उस दाव में बीजेपी जो है वो अपने कैंडिडेट्स उतारेगी, और जिन पहाड़ी लोगों को यहाँ पर स्टेटस दिया है एसटी का, वो लोग जो है वो बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट जो है वो राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से नहीं उतारा। और आप ये भी देखिए कि लोग बहुत ज्यादा निराश हुए कि अब हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए इन मुद्दों के बाद में पहला फोकस जो है वो राजौरी पुंछ के एरिया पे किया गया है कि आपको राजौरी पुंछ के एरिया के लोगों के बीच में जाना है, ज्यादा से ज्यादा आउटरीच प्रोग्राम करने हैं। और आप जानते हैं कि रविंदर राणा जो है वो बीजेपी अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, उसके साथ साथ रविंदर राणा वो एक खास चेहरा है बीजेपी का, जिन्हें राजौरी पुंछ के लोग सुनते भी हैं, उन पर अमल भी करते हैं। और अगर गुज्जर बकरवाल तबके की मैं बात करूं तो गुज्जर बकरवाल तबका जो है वो दिल से उनसे कनेक्ट भी करता है। इसी के साथ राजौरी पुंछ एरिया की बात करें तो विबोध गुप्ता आते हैं, विबोध गुप्ता उन लोगों के बीच में भी जाते हैं, और विबोध गुप्ता जो है वो उन लोगों को किस तरह से जो है अपने साथ जोड़ना है उस पर भी काम करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी एक भारी जीत जो है वो दर्ज की है। उसी के साथ साथ आ जाते हैं जुगल किशोर शर्मा, जुगल किशोर शर्मा जो है मेंबर पार्लियामेंट है वो भी जीते, और जम्मू की अगर लोगों को एक और तोहफा मिला जो एक ब्लाइंड वॉल वे मॉल के सामने बन रही थी, अब वो भी नहीं बनेगी। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडर्स ये समझ गए हैं कि पहले लोगों का दिल जीता जाएगा, तभी लोग जो है वो हमें जिता पाएंगे। फिलहाल के
लिए इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लोगों ने, लेकिन सबसे पहले अगर बीजेपी ने कहा कि असेंबली इलेक्शन जीतने हैं तो एसपीओज हैं, डेली वेजर हैं, विलेज डिफेंस गार्ड हैं, होम गार्ड है और एनवाईसी वर्कर्स हैं, इन मुद्दों को हल करना होगा तभी असेंबली इलेक्शन में बीजेपी जम्मू कश्मीर में जीत हासिल कर पाएगी। इस बात को समझने में उन्होंने देर जो है वो नहीं की, तो तैयारियों के साथ साथ ही उन्हें समझ आ गया। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे वो जरूर कहिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।